नमस्कार, लोकल न्यूज 24 में आपका स्वागत है। बल्लू माफियाओं के लॉकडाउन में हुआ सुतार। आपको बता दें कि रोहतास थाना क्षेत्र के बिंसपुरा चितौली घाटों में लगातार सैकड़ों की संख्या में प्रतिदिन दिन के उजाला में बालू माफियाओं के द्वारा बालू अवैध रूप से ढोया जा रहा है। आपको बता दें कि सरकार के द्वारा सभी घाटों को बंद किया गया है, लेकिन आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि आज मंगलवार के दोपहर से ही गाड़ियों का लंबी कतार लगा हुआ है बालू ढोने के लिए। आप इस वीडियो में साफ तौर पर देख कर अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से लॉकडाउन में बालू माफियाओं का सुतार है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि यह बालू माफियाओं तीन थाना के चकमा देकर अपने मकसद तक बालू गिराने में कामयाब हो जाते हैं। आपको बता दें कि रोहतास थाना, अमझोर थाना, तिलौथू थाना, तीनों थानाओं के पुलिस को चकमा देकर यह बालू माफिया अपने मकसद तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। आखिर प्रशासन मुखदर्शक क्यों बनी हुई है, ये बड़ा सवाल उठ रही है। इतना ही नहीं, आप इस वीडियो में देखकर यह अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार सरकार के लगाई गई संपूर्ण लॉकडाउन का लोग कितना पालन कर रहे हैं और प्रशासन कितना पालन कराने में सफल है। आश्चर्य की बात यह है कि आखिर तीन थाना के पुलिस कहां सोई हुई है, आखिर मुखदर्शक क्यों बनी हुई है। तीन थाना के पुलिसों को चकमा देकर बालू माफियाओं अपने मकसद तक पहुंचने में क्यों कामयाब हो रहे हैं, ये बड़ा सवाल उठ रही है प्रशासन पर।